पूरे देश में माहौल राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर अभी भी राजनीति बीजेपी वही चल रही है, जबकि लड़ाई होनी चाहिए विचारधारा की, नीतियों की और कार्यक्रमों के आधार पर, जनता के लिए हम क्या करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से वो लड़ाई नहीं हो रही है। हम उम्मीद है कि जनता समझ जाएगी और जनहित के अंदर जो इश्यू पे राजनीति है, मुद्दा आधारित कैंपेन है, उनको तवज्जो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे हैं कि देवेंद्र और नरेंद्र की जो जोड़ी है बहुत हिट रही है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद में ही सिमटी रही है। देखिए, परिवारवाद तो उनमें कोई कम नहीं है। परिवारवाद क्या होता है, परिवार को कोई व्यक्ति राजनीति माना चाहे कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो ये परिवारवाद की बात तो करना फिजूल की है, कोई उसमें दम नहीं है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में मतदान गुप्त होता है, इसलिए जनता चाहे तो जो चाहे जिसको पसंद करती है। तो परिवारवाद का क्या मायने होगा, परिवारवाद कोई राजा महाराजाओं का तो युग है नहीं कि भाई आप राजा के रानी के पेट से पैदा होने वाला राजा बन गया, वो तो है नहीं। अब तो जनता जो चाहती है उसको जिताती है, वरना घर बैठता है। एक अहम वादा भी किया उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न का, ये इनकी सोच फासिस्ट सोच है। इनको नहीं मतलब कि पब्लिक क्या सोचती है, इनको नहीं मतलब कि राजनीतिक पार्टियां जो दूसरी है उनके क्या विचार है। डेमोक्रेसी के अंदर आप सत्ता में जरूर हो पर विपक्ष की भावनाओं का भी आदर करना पड़ता है। विपक्ष क्या सोचता है उसको भी तवज्जो देनी पड़ती। इनके लिए विपक्ष मायने कुछ नहीं, इनका मतलब है सिर्फ एक पार्टी का शासन हो देश के अंदर चाइना की तरह, बाकी पार्टियां डमी हो कागजों के अंदर और शासन अकेले करते जाएं। अगर ये हो गया तो ये जनता जो आज जिस रूप में राष्ट्रवाद के इनके झूठे नारों में आ रही है और जिस प्रकार इन्होंने जिता दिया पार्लियामेंट के अंदर, ये जिंदगी भर पश्चाताप भी करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। देश में लोकतंत्र को खतरा आज देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, आज डेमोक्रेसी देश में खतरे में है। क्या लग रहा है महाराष्ट्र? अब ये समझे नहीं समझे, समझना पड़ेगा एक दिन। तो हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, ना आरएसएस वालों से है ना बीजेपी वालों से है। हमारी लड़ाई है नीतियों की, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों की लड़ाई है। उनको भी वो लड़ाई लड़नी चाहिए हिसाब से तो, और पब्लिक को भी उन लोगों पर दबाव देना चाहिए कि आप इस पर आइए, आप मॉडल कर क्या रहे हो, किसान के लिए क्या कर रहे हो, नौजवान की नौकरी के लिए क्या कर रहे हो, ब्लैक मनी लाने की बात की थी उसका क्या हुआ। आज ये लड़ाई होनी चाहिए थी, पर जनता भी नहीं समझ पा रही है और वो राष्ट्रवाद के नाम पे। हम राष्ट्रवादी है ही नहीं, राष्ट्रवादी हम नहीं है। खाली बस बीजेपी सर्टिफिकेट देगी, जो बीजेपी सर्टिफिकेट देगी वो राष्ट्रवादी होगा, ये कब तक चलेगा? सर, क्या मंडावा खिंसर में राष्ट्रवाद नहीं चलेगा? देखो, हमारा पूरा प्रयास, हम जीतेंगे दोनों जगह, ये पूरी उम्मीद है। तैयारियां पूरी हैं आप लोगों की? पूरी तैयारी है, पूरी कैंपेन अच्छा चल रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स पब्लिक का है। सर, हाइब्रिड फॉर्मूला लाया गया है स्थानीय निकाय में, कैसा लगता है आपको, ये जनता के हित में रहेगा? बिल्कुल, जो हमने जो अभी तय किया है, सोच समझ के तय किया है। क्यों बिना मतलब का राजस्थान में कठोरता बढ़े? पहले हमने खुद ने किया कि सीधा चुनाव हो, बाद में देखा भी धारा 370 की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म के नाम पर सोसाइटी डिवाइड कर रखा है, पूरे समाज को धर्म के नाम पर डिवाइड कर रखा है। ऐसे में और चुनाव होंगे और खाई बढ़ेगी। मैं नहीं चाहता खाई बढ़े, मैं चाहता है हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर राजनीतिक पार्टी के लोग, वो कम से कम डायलॉग रखे, अपना आपस में भाईचारा रखे, सद्भाव रखे। ये मेरी इच्छा है कि राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है पर कम से कम बोलचाल रिश्ते सबके रहे। तो क्यों बिना मतलब इस माहौल के अंदर और ज्यादा खाई बढ़े, सोच के हम लोगों ने चुनाव किए वार्डों के पार्षदों के माध्यम से। सर, 10 महीने का आप लोगों का जो कार्यकाल रहा है, यानी कि पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड हैं कि जनता आपके साथ जा रही है? देखिए, गवर्नेंस के और कोई नगर निगम के चुनाव हो गए फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आज कंट्री में माहौल क्या है, वो हावी माहौल है।
कंट्री का माहौल हावी बना रखा देश के अंदर, वो खतरनाक है वो माहौल, उसको इनकार नहीं कर सकता है। और मोदी जी ने पूरा कब्जे कर रखा आप लोगों पर, आप मीडिया वालों पे कब्जे कर रखा है। आपके मीडिया वाले जो संपादक है, मालिक है, वो दबाव के अंदर है, नहीं चाहते हुए उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है, ये स्थिति है। उस कारण से चारों ओर मोदी 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 दिख रहा है, उसका फायदा मोदी जी को मिलता है, वो कब तक मिलेगा उसका इंतजार कीजिए आप लोग। लेकिन ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी इससे और कांग्रेस जो है ना डर गई है इसलिए। वो तो उन्होंने तो किया ही है, हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी तो फिर उन्होंने खुद ने बढ़ा ही किया है। उसका बताए वो जब हमने डायरेक्ट चुनाव कराए थे उन्होंने उसको बदल दिया था, तो क्या उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी क्या, ये उनको पूछना चाहिए आपको। टोल मुक्त देश और टोल मुक्त राजस्थान का मैं आंदोलन कर रहा हूँ, इसलिए उनकी चर्चा भी याद दिलाई, क्योंकि गहलोत जी के टाइम में भी कई विधायकों के साथ टोल नाकों पे बदमाशी हुई थी, ये मैंने दोहराई थी उस बात। तो दोस्ती से भी क्या दिक्कत है आपको, भाजपा के साथ है ही वो? ना ना, उससे थोड़े उनसे नहीं है मेरी दोस्ती, कतई नहीं होगी भी नहीं। फ्यूचर के अंदर बीजेपी के कई कार्यकर्ता है जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? पूरी कांग्रेस तो मेरे में शामिल हो गई थी, कौन से बीजेपी कार्यकर्ता, कितने कम से कम 1000 लोगों को ज्वाइन कराई मैंने, आरएलपी बीजेपी गठबंधन ज्वाइन कराया। राजस्थान के अंदर वसुंधरा प्रचार प्रसार में नहीं आ रही, क्या कारण मानते हो? बहुत तो इनको राठौड़ साहब को पूछ लो एक बार ये बात। आपने रीटा जी को पहलवान का नाम दिया तो पहलवान तो मजबूत होता है। आप तो सुनो, पहलवान मजबूत होता है लेकिन जिस तरह वो पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइम से कुश्ती में थे तो उनका फील्ड अलग है, पॉलिटिकल फील्ड है, या वो कामयाब नहीं। मैंने देखा 5 साल मेरे साथ एमएलए थी, ने तो कभी अपनी सीट से खड़ी होकर बोली, ने मंडावा के विकास की बात करी, विधायक रहा हूँ मैं उनके साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई भला कर पाएगी इस इलाके। रामेश्वर डूडू ये चुनाव के अंदर आरएससी के चुनाव लड़े, उसमें आपके कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया था क्या? तो जहाँ भी अन्याय होगा कोई भी मुझे बुलाएगा हनुमान वहीं जाएगा, मैं स्वतंत्र हूँ, आरएलपी पार्टी अलग पार्टी है, उसका मैं संयोजक हूँ मेरी पार्टी का। मुझे जहाँ भी लगेगा ना कोई किसान तकलीफ में, तुरंत कोई भी व्यक्ति तकलीफ के अंदर मुझे पुकारेगा तो मदद करने के लिए, रामेश्वर जी मेरे मित्र हैं, अशोक गहलोत ने गुंडागर्दी करी, उस गुंडागर्दी के खिलाफ उनको समर्थन दिया, आगे भी दूंगा अगर आवश्यकता पड़ेगी। अशोक गहलोत ने चुनाव को लेकर कहा कि पार्षदी सभापति चुनेंगे, इसको लेकर क्या कहना? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई, पहले गहलोत खुद ही इस बात को लाए थे उनकी सरकार, और दोबारा जब हुआ है सारा, मेरे हिसाब से जनता को डायरेक्ट जो सभापति मेयर ये चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये घबरा गए डर गए और इनको लगा कि डायरेक्ट जनता सारा वोट बीजेपी आरएलपी को दे देगी, राजस्थान के अंदर गठबंधन को, ज़्यादातर तो शहरों में भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं और वोट भी ज़्यादा बीजेपी माइंडेड है सिटी के अंदर, और अगर पार्षद से चुनाव कराते हैं तो हम खरीद फरोख्त करके सरकार के दबाव में हम हमारे चेयरमैन ज़्यादा बनाएंगे, यही मंशा थी इसके पीछे, बाकी डायरेक्ट चुनाव ही होता। रीटा चौधरी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल जी का या मंडा विधानसभा में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और बड़े बड़े नेता मंडा विधानसभा से बाहर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हनुमान जी का। उसका कारण है ना, रीटा चौधरी के पिताजी ने उन लोगों को जागरूक नहीं होने दिया है, इसलिए वो कह रही थी कि हनुमान जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभाव तो पड़ गया, उधर रिजल्ट देखना आप कैसा प्रभाव पड़ता। मैं ये तो नहीं कहता कि कोई लाखों से वोटों से जीत हो जाएगी, लेकिन जीत तय है और गहलोत और रीटा जी की हार है इस क्षेत्र के अंदर। 18 तारीख को कांग्रेस की बड़ी सभा होनी है, सीएम गहलोत आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो सीएम डिप्टी सीएम आएंगे जब तो अपना आप ही रीटा हार जाएगी कहने की।